हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित। हम यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट नंबर 10। पहला सवाल देखिए, बोलता है कि पीएनबी रिसीव्ड लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन्ड बाय ए बैंक इन जर्मनी, इट इज नॉट इन ए पोजिशन टू वेरीफाई द अपेरेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रेफरेंस टू द LCS पर UCPDC 600। बोलता है कि पीएनबी को एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया गया है एक बैंक के द्वारा जर्मनी में, और पीएनबी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वेरीफाई कर सकता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया है, जो LC है ओपन किया गया है, वो कितना ऑथेंटिकेट है या कितना ऑथेंटिसिटी है उसमें। तो इसमें UCPDC 600 के संबंध में लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए कौन सा बात सही होगा, यही सवाल है। तो पहला ऑप्शन है पीएनबी मस्ट एडवाइज the credit to the beneficiary without disclosing the facts. Second option is PNB may elect not to advise the credit and must so inform the issuing bank without delay. C option is PNB may elect to advise the credit to the beneficiary without recourse. D option is either B or C. E option is either A or B. So in this case mein jo sahi jawab ho jayega wo aapka kya ho jayega, D, either B or C. क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, ए लेटर ऑफ क्रेडिट वाज इश्यूड ऑन 1/8/2009, द बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंटेड ऑन 10/8/2009 अंडर LIC वाज डेटेड 25/07/2009, द LIC इज साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट, AD शूड। ठीक है, तो बोलता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू किया गया है 1/8/2009 को, तो बिल ऑफ लेडिंग जो था जो प्रेजेंट किया गया 10/8/2009 को अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट में, जो कि डेट था 27/7/2009 में, तो सॉरी जो LIC है वो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट है वो साइलेंट है इस रिस्पेक्ट में, AD क्या करेगा। तो पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि एक्सेप्ट द बिल ऑफ लेडिंग इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। बी ऑप्शन है नॉट एक्सेप्ट ए डॉक्यूमेंट डेटेड प्रायर टू लेटर ऑफ क्रेडिट। सी ऑप्शन है रेफर द मैटर टू द एप्लीकेंट ऑफ UC। डी ऑप्शन है रेफर द मैटर टू इशुइंग बैंक। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका, ए, यानी एक्सेप्ट द बिल ऑफ लेडिंग इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। तीसरा सवाल है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विल प्रेफर, जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है वो क्या प्रेफर करेगा। पहला ऑप्शन है ए ट्रांसफरेबल LC, दूसरा ऑप्शन है इरिवोकेबल LC, तीसरा ऑप्शन है इरिवोकेबल कन्फर्म्ड LC, चौथा ऑप्शन है रिवोकेबल LC। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर वो प्रेफर करता है क्या, इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, इरिवोकेबल कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एज पर UCPDC 600 द वर्ड अबाउट और अप्रोक्सीमेटली यूज इन कनेक्शन विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट और क्वांटिटी और द यूनिट प्राइस स्टेटेड इन द क्रेडिट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड एज अलाउड ए टॉलरेंस नॉट टू एक्सीड डैश परसेंटेज मोर और लेस देन द अमाउंट द क्वांटिटी और द यूनिट टू विच दे प्रेफर। बोलते जो UCPDC 600 जहां वर्ड अबाउट हो गया या फिर अप्रोक्सीमेटली है, जो कि कॉमन कनेक्शन में आता है, जो कि यूज करते कनेक्शन में संबंध में, जहां अमाउंट को क्रेडिट करना होता है क्वांटिटी में या फिर जो यूनिट प्राइस स्टेटेड होता है जो बताया जाता है क्रेडिट में, तो उसको हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते थे। पर जो टॉलरेंस होगा एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना प्रतिशत मोर और लेस देन द अमाउंट जो भी क्वांटिटी होगा यूनिट प्राइस का जो वो रेफर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 1%, चौथा ऑप्शन है नो वेरिएशन इज अलाउड। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका, 10%। पांचवा क्वेश्चन है इन ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट द डेट ऑफ शिपमेंट इज 33/2018 वेयर इज द इंश्योरेंस पॉलिसी इज डेटेड 3/4/2018 इन दिस केस। बोलते हैं सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि सबमिट किया गया लेटर ऑफ क्रेडिट में, जहां पे डेट ऑफ शिपमेंट है 30/3/2018, जबकि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डेट है 3/4/2018, इस केस में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन वी में एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड नेसेसरी कवर हैज बीन प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। बी ऑप्शन है वी मस्ट रेफ्यूज द डॉक्यूमेंट एज इट इज डिस्क्रिपेंसी। सी ऑप्शन है द डेट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी चेंज्ड टू प्रायर टू द डेट ऑफ शिपमेंट। डी ऑप्शन है आइदर बी और सी। ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वी मे एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड नेसेसरी कवर हैज बीन प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। छठा क्वेश्चन है द बेनिफिशियरी ऑफ एन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट विच वॉज एडवाइज बाई अस रिक्वेस्ट अस टू एड आवर कन्फर्मेशन अंडर द सर्कमस्टेंसेज। बोलते जो बेनिफिशियरी होता है इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का, जो कि एडवाइस करता है आपको, रिक्वेस्ट करता है कि ऐड करना कन्फर्मेशन को, तो इस सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा कन्फर्मेशन इज एडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बैंक एंड विल बी डन ओनली एज द पार्ट ऑफ ओनली एज द पर द अरेंजमेंट। बी ऑप्शन है वी मे डू सो एज कन्फर्मेशन इज यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ओनली एंड देयर इज नो कमिटमेंट ऑफ द बैंक विच एड्स द कन्फर्मेशन। वी मस्ट एड आवर कन्फर्मेशन एज इट वॉज एडवाइज बाई अस। डी ऑप्शन है वी शुड डिक्लाइन इट एज नो कन्फर्मेशन नेसेसरी ऑन द रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ओनली रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट नीड्स कन्फर्मेशन। ई ऑप्शन है वी मे ऑल्सो नॉट वी मे डू सो ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंडेमनिटी फ्रॉम द इशुइंग बैंक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ए कन्फर्मेशन इज एडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ओपनिंग बैंक एंड विल बी डन ओनली एज पर द अरेंजमेंट। सातवां क्वेश्चन है आवर बैंक ओपन्ड एन इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड आवर कॉरेस्पोंडेंट बैंक अब्रॉड नेगोशिएटेड द बिल्स अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट गॉट द रिइंबर्समेंट व्हेन द डॉक्यूमेंट्स वेयर प्रेजेंटेड टू आवर इम्पोर्टर कस्टमर ही रिफ्यूज टू पे ऑन द प्ली डेट गुड्स वर नॉट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस। बोलता है जो बैंक ओपन करता है इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां पे कि जो कॉरेस्पोंडेंट बैंक होता है विदेश में, वो नेगोशिएट करता है बिल को लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत और उसको पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलता है कि जब डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है इम्पोर्टर कस्टमर के पास, तो वो रिफ्यूज कर देता है कि वो पे करेगा जो भी प्ली है बाकी गुड्स जो होगा, और रिफ्यूज करता है क्यों पे करने की, मना कर देता है कि भाई मैं पे नहीं करूँ क्योंकि गुड्स उसको जो दिया जा रहा है वो उसके एज पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड्स नहीं है। इस केस में क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि वी विल वेरीफाई द गुड्स एंड टेक देम इन टू अवर पोजिशन। बी ऑप्शन है वी कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम द नेगोशिएटिंग बैंक बिकॉज एज पर UCPDC we deal in documents and not in goods and will proceed to recover the amount from the importer. C option we will request the correspondent bank to pay back the money. D option is either A or B. E option is none of the above. So iska sahi option ho jayega B. We cannot recover the money from the negotiating bank because as per UCPDC we deal in documents and not in goods and will proceed to recover the amount from the importer. ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट वॉज ओपन्ड बाई अस स्टिपुलेटिंग फॉर क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग वाइल स्क्रूटनाइजिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर द UC। ठीक है, वी फाइंड द नेगोशिएशन सम पैकेजेस डोंट अपीयर ऑन द बिल ऑफ लेडिंग वी शुड। तो बोलता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो ओपन किया गया है आपके द्वारा, तो स्टिपुलेटिंग जो होता है कि आपका जो क्लीन बोर्ड होगा बिल ऑफ लेडिंग पे, जहां पे कि शूटिंग की जा रही डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूसी के, जहां पे पता चलेगा कि जो आप नेगोशिएशन कर रहे हैं जो नोटेशन है या जो कुछ पैकेजेज होगा वो टोन होगा जो अपीयर होता है बिल ऑफ लेडिंग में, तो यहां पे आपको क्या करना है। तो पहला ऑप्शन है कि एक्सेप्ट करना है बिल ऑफ लेडिंग को जो कि उसके यूसी के टर्म्स के हिसाब से। दूसरा है कि यहां पे रेक्टिफाई करना है इरेगुलरिटी जहां पे शिपिंग एजेंट होगा, फिर कुछ समय रुकना होगा आपको जब तक शिप अराइव करता है और उसके बाद वेरीफाई करना होगा। उसके बी ऑप्शन में कि तुरंत आप रिसीव करेंगे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव होता है तुरंत उसके बाद इन्फॉर्म करेंगे नेगोशिएटिंग बैंक को टेलीफोन के जरिए डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्करेंट है जो भी आपको मिला हुआ है, और यहाँ पे आप अपने रिस्क पे उसको रखते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक की। ठीक है, ई ऑप्शन क्या होगा, बी और सी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, डी, यानी आप इमिडिएटली रिसीव करेंगे डॉक्यूमेंट्स को और उसका इन्फॉर्म करेंगे नेगोशिएटिंग बैंक को टेलीफोन के जरिए कि भाई डॉक्यूमेंट्स जो है डिस्क्रिप्टेड है और यहाँ पे रिस्क है इसको रखना और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, नेगोशिएटिंग बैंक की। नौवां क्वेश्चन है ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन्ड इन US डॉलर द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स कैन बी। बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट आपको अगर ओपन किया जाता है US डॉलर में तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होगा। तो पहला ऑप्शन है US डॉलर ओनली इफ
not otherwise stipulated in the credit. B option, in any freely convertible currency. C option, in Indian rupees only. D option, in US or dollars only. E option, either B or C. तो सही ऑप्शन है ए कि अगर आप यूएस डॉलर में ओपन कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट तो यूएस डॉलर में ही होना चाहिए इंश्योरेंस भी. ये ऑप्शन हो गया. दसवां क्वेश्चन देखिए. एज पर यूसीपीडीसी 600 इफ देर इज नो इंडिकेशन इन द क्रेडिट ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी एटलीस्ट डैश परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स. बोलते हैं कि अगर यूसीपीडीसी 600 के तहत कोई भी इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि जो भी आप क्रेडिट ऑफ जो भी आप क्रेडिट ले रहे हैं जो भी आपका लोन है ये क्रेडिट है इंश्योरेंस कवरेज कितना रिक्वायर्ड होगा क्या अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए जो कि कितना प्रतिशत वैल्यू होगा गुड्स का. तो पहला है 100% ऑफ सीआईएफ वैल्यू. दूसरा है 100% ऑफ 110 पहला ऑप्शन है 110% ऑफ सीआईएफ वैल्यू. दूसरा है 110% ऑफ एफओबी वैल्यू. तीसरा ऑप्शन है 100% ऑफ एफओबी वैल्यू. डी ऑप्शन है 100% ऑफ सीआईएफ वैल्यू. ई ऑप्शन है नन. तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए 110% ऑफ सी आई एफ वैल्यू. ठीक है. यहाँ पे एक मेगा ऑफर है. यहाँ पे यहाँ पे आपको जीआईबी और सीआईबी कोर्सेज कराई जाती है. सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है. यहाँ पे आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से वीडियो लेक्चर कोर्सेज देख सकते हैं. केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं. दूसरा सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा. क्विक रिविजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा. अगर आप कोई भी सिंगल जीआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है 2000 रुपये ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 600 रुपये. अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं ईवीएम प्लस बीएफएम सॉरी सीआईबी नहीं अगर आप जीआईबी का दोनों तीनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं तो इसका दाम है 4500 रुपये ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये. अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं ईवीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपये ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1100 रुपये. अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं इसका दाम है 4500 रुपये ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये. 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का दाम होता है 199 रुपीज और कॉमो करके मॉक टेस्ट का 399 रुपीज. ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं. फोन नंबर हो गया 4x9685127. दूसरा नंबर है 7827546946. वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. वेबसाइट हो गया www.jibcibfreedmetal.com. ईमेल आईडी हो गया सिर्फ नंबर 2 8@gmail.com.